मेरे को टाइमिंग कहाँ मिलता है? मेरी सुबह 11 बजे उठती हूँ सो के मैं, कई बार तो 12 भी बज जाते हैं। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, और आप लोग तो शायद खांटे मार के सो रहे होंगे और पता नहीं कौन कौन से सपनों में खोए होंगे सारे। और मैं हूँ एक जो मैं रात को कैमरा ऑन करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब गेहूँ मतलब निकलते हैं ना, तो उसको जब उसका बीज निकालते हैं तो उसकी मशीन चली हुई है, थ्रेशर जिसको बोलते हैं, तो यहीं पे खेत में चली हुई है और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है उसकी, तो जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ और नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो मैंने लाइट भी ऑन कर ली और मैंने सोचा चलिए कर लेती हूँ आपसे बात। और तो मैं आप लोग के साथ कल की वीडियो शेयर करूँगी, मतलब 5 तारीख की वीडियो, और अभी तो 6 तारीख होगी ना, क्योंकि 12 बजे के बाद 6 तारीख होगी है। तो चलिए, मैंने खास नहीं किया आज, लेकिन चलिए फिर भी मैं दिखा लेती हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा और थोड़ा सा टाइम दीजिएगा वीडियो पे। और तो फिर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट नहीं बोलूँगी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, आप सभी का दिन शुभ रहे। तो चलिए मैं भी यहाँ पे अपने दिन की शुरुआत कर लेती हूँ और ब्लॉग की स्टार्टिंग भी। तो अगर गाइज आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बालों में ऑयलिंग, और क्योंकि अगर हम बालों में अच्छे से ऑयलिंग करेंगे बाल धोने से पहले, तो हमारे बाल बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बाल तो बहुत छोटे हैं, तो गाइस बात ऐसी है कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने बाल को कट करा था, और क्योंकि बाल थोड़े डैमेज हो गए थे परमानेंट स्ट्रेट की वजह से, मैंने गलत ट्रीटमेंट लिया था अपने हेयर्स में, तो जिसकी वजह से मुझे अपने बाल को कट करना पड़ा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, तो ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सा कैसा ऑयल यूज़ कर रहे हो, मायने ये रखता है कि हम किस तरह से मसाज करते हैं अपने बालों में। फिंगर टिप्स से आपको बहुत अच्छे से मसाज देनी है बालों में, इससे क्या होता है कि आपके मतलब बाल बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सो गाइज, ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया था, लेकिन अब टाइम है अभी दिन का 2 बजे का, तो कुछ खाने का मन कर रहा था। वैसे तो 2 बजे तक यहाँ पे मार्केटें ओपन हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, मैं जाती नहीं हूँ, और तो मैंने सोचा यहीं पे बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे प्याज के पकौड़े बना रही हूँ, आते हैं मुझे बनाने पकौड़े, क्योंकि मुझे पसंद है तो मैंने सीखे हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है और बेसन ले लिया है, और कुछ मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं, और थोड़ा सा आलू बचा था सुबह परांठे का, वो भी मैं इसमें ही ऐड करूँगी। तो गाइस चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट। और यहाँ पे मैंने ऑयल तो डाल दिया था, लेकिन जो मेरी वीडियो है ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, मेरे से एक बार नहीं 100 बार मेरे से गलती होगी, पता नहीं, मैं भी बुद्धू हूँ एक नंबर की। तो यहाँ देखिए कुछ भी हो गया, चलिए छोड़िए, लेकिन मेरे जो पकौड़े बने थे ना बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। चलिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि कैसे हैं। माइंड मत कीजिए, मैं ऐसे खा रही हूँ और बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे से पूछते हैं ना कि मैंने वीडियो में काफ़ी मतलब बार मैंने दिखा दिया है ये घर वीडियोस में, इस रूम में मैं रहती हूँ, और जो ये घर है ना जो मैंने दिखाया है, ये गाइस मेरा नहीं है। मैंने एक बार नहीं 100 बार बोल दिया है कि ये मेरा रेंट का है, यहाँ पर मैं रेंट पर रहती हूँ। और जो ये सारा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं घर में हूँ, अपना घर टूर दिखाइए, कैसे दिखाऊँ यार, मैं घर से बाहर रहती हूँ गाइस, घर से बाहर रहती हूँ मैं रेंट पे। सो गाइस, रात की बारी आती है डिनर की। डिनर के लिए मैंने बनाई है बड़ियाँ विद आलू,
और ये बढ़िया मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी खाए ना तो अच्छी लगती है। तो मैंने इनको गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें मैंने तड़का भी लगा दिया है, और एक सीटी लगा दूंगी तो 2 मिनट में हो जाएगी। उसके बाद चावल बनाऊंगी मैं। खाना खाओ। गुड आफ्टरनून गाइस, आज है 6 तारीख और मैं एक्चुअली मार्केट गई थी और किसी ज़रूरी काम से गई थी। सॉरी फॉर दैट कि मैं नहीं बता सकती, कुछ पर्सनल है उसकी वजह से मैं मार्केट गई थी, ज़रूरी काम था इसलिए जाना पड़ा, और क्योंकि जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो मैं गई। और तो गाइस ये आज का जो ये व्लॉग है बहुत छोटा सा व्लॉग है, प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। और इस व्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग कर लेती हूँ, और तो मिलते हैं अब एक न्यू व्लॉग में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।